दोस्तों नमस्कार, ऑनलाइन गुरुकुल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। बिहार CET-BED 2019 के काउंसलिंग का सेकेंड राउंड चल रहा है। सेकेंड राउंड में जो अलॉट हुआ था, जो लोग फ्रीजिंग चूज़ किए उन्हें भी रिपोर्ट करना था सेकेंड काउंसलिंग में, और साथ ही साथ जिनका फ्रेश अलॉटमेंट हुआ था उन्हें भी काउंसलिंग में रिपोर्ट करना था। मैदी वे हमारे पास ये हमारा जो सेशन है, ये आंसर ऑफ कमेंट्स का सेशन है। इसमें देखते हैं किनका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसका हम लोग सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। पहला कमेंट लेते हैं पल्लवी जी से। पल्लवी जी लिखती हैं, सर सीट एक्सेप्टेंस फ़ी कैसे ऑनलाइन डिपॉजिट होगा? तो देखिए, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो आपका 1000 रुपये का है, ये सबसे पहले तो जब तक आप फ्रीजिंग चूज़ नहीं करेंगे, फ्रीजिंग चूज़ करने के बाद ही पेमेंट होना है। बाय द वे, आज काफ़ी दोस्तों का था कि सर सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट करने में परेशानी हो रही है, तो उसके लिए क्या है, देखिए जब आपका काउंसलिंग समाप्त हो जाएगा या फिर अभी जो आपको प्रोविजनल रिकमेंडेशन लेटर मिल रहा है, तो कब तक आपको रिपोर्ट करना है, तो उसका समय जो होगा, आपको जो रिपोर्ट करेंगे फाइनल एडमिशन सर्टिफिकेट लेने के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए, जिसे ले जाके आपको कॉलेज में देना है, वहाँ पे जाके एडमिशन लेना है, तो उसके लिए करना क्या है, आपका जिस दिन काउंसलिंग समाप्त हो रहा है उस दिन के बाद से आपका सर्वर ठीक ठाक रहेगा। अभी थोड़ी सी परेशानी आ भी सकती है, या फिर हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन नंबर देने के बाद नेक्स्ट जो पेज है वो खुले ही ना, लेकिन जो आपका लास्ट डे ऑफ द काउंसलिंग जो होगा उस दिन से आपका जो है शुरू हो जाएगा। कुल मिला के जो ऐसा लग रहा है कि जो 13, 14, 15 ये 3 दिन का रिपोर्टिंग है आपका, तो उसमें से करना क्या है कि आपको 11 या 12 का काउंसलिंग समाप्त हो रहा है, अभी तो आज एबसेंट जो हो गए उन्हें 13 को भी रिपोर्ट करने कहा जा रहा है। तो बाय द वे, जिस दिन काउंसलिंग समाप्त हो जाएगा उस दिन के बाद से प्रयास करिए, तो आपका इजी वे से पेमेंट होगा, सर्वर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट रवि जी लिखते हैं, सर मेरा SMQ, अच्छा सर्विसमैन कोटा में था, 60 मार्क्स आया है, फिर भी नाम नहीं आया। तो रवि जी देखिए, है क्या कि जैसा प्रेफरेंस ऑर्डर आप सजाते हैं टोटली उसी पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज एलोकेट होगा कि नहीं। बाय द वे, गवर्नमेंट कॉलेज में तो कोटा से काफ़ी सीट रहता है, तो वहाँ पे यदि आप कॉलेज का ऑर्डर सजाए होंगे और आपका कट ऑफ जो है, कॉलेज का कट ऑफ जो है आपके मार्क्स यदि ज़्यादा रह गया, तब तो आपका सिलेक्शन होना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। बाय द वे, अब थर्ड काउंसलिंग का वेट करिए, एक बार जब आपने कॉलेज का चॉइस फिलअप कर दिया है तो उसके बाद और कोई कुछ बच जाता नहीं, बस आपको है कि थर्ड काउंसलिंग तक वेट करिए, आपको थर्ड काउंसलिंग में सीट वैकेंट होंगी, उसके बाद आपको आपके प्रेफरेंस के अनुसार आपको सीट अलॉट होगा, तब तक के लिए वेट करिए। नेक्स्ट मनोरंजन जी लिखते हैं, सेकेंड काउंसलिंग में फ्रीजिंग किए लेकिन BA का मूल प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण वांटेड लिखा हुआ है, कॉलेज का लेटर पैड से हमें एडमिशन लेटर अलाउ किया जा सकता है जबकि प्रोविजनल है मेरे पास? देखिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपका आपके पास होगा वो बेसिकली 2 साल के लिए वैलिड होता है, तो वो आपका काम हो जाएगा यदि 2 साल तक है। यदि उससे पहले का आपका जो यदि सर्टिफिकेट हो, ये पासिंग आपका 2017 से पहले का हो, तो उस केस में जो है आपको एक यूनिवर्सिटी से कोई लेटर लाना पड़ेगा कि या तो आपने मूल प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर दिया है, या फिर जो कभी कभी कुछ यूनिवर्सिटी केस में होता है कि वो काफ़ी दिनों से ओरिजिनल सर्टिफिकेट भेज ही नहीं रहे हैं, तो उस तरह का यदि कोई सर्टिफिकेट आपके पास मिल जाता है कि जो यूनिवर्सिटी काफ़ी दिन से नहीं दे रही है या फिर आपने अप्लाई किया है, तो ये सर्टिफिकेट आप शो करके अपना जो फाइनल एडमिशन जो होगा, फाइनल जो आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, या फिर जो फाइनल एडमिशन कार्ड जो होगा जो आपको कॉलेज में जाके आपको दिखाना है वो आपको मिल जाएगा। तो मूल प्रमाण पत्र के लिए बस इतना ही, आप यही दो आपके पास ऑप्शन है बस रहा है। नेक्स्ट सीता जी लिखती हैं, सर मैंने फर्स्ट काउंसलिंग में फ्लोटिंग किया था और सेकेंड काउंसलिंग में भी फ्लोटिंग की हूँ, तो अगर मेरा थर्ड लिस्ट में अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है या नॉट सिलेक्टेड आता है तो मुझे कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं? देखिए, कॉलेज तो मिलना ही है आपको, थर्ड काउंसलिंग में यदि नहीं मिलता है तो सेकेंड काउंसलिंग में जो है अलॉट हुआ है वो मिलेगा। और बाय द वे, इस पर नालंदा यूनिवर्सिटी विचार कर रही है कि आपके पास जो दो कॉलेज का अपॉर्चुनिटी होगा, फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट दोनों में से किसी एक कॉलेज में दिया जा सकता है।
बाय द वे अभी तक का जितना अपडेट है, जो सेकंड कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है वो कॉलेज उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रीति जी लिखती हैं, सर मेरा सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करने वाला खुल नहीं रहा है, अप्लीकेशन नंबर डालती हूँ तो उसके आगे नहीं खुल रहा है। अच्छा, बेसिकली देखिए प्रीति जी, क्या है कि आपका वहाँ पे जब काउंसलिंग समाप्त हो जाएगा 12 को या 11 का जो भी डेट है आपका, उसके बाद पेमेंट करने का प्रयास करिए तो अच्छे से होगा। बाय द वे समस्या ये आ रही है ना कि आपको जब रिपोर्ट करना है उससे पहले आप पेमेंट करके वहाँ पे जाइए। अभी से प्रयास करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि उसका जो समय है वो पिछले बार भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था इसमें, और जब फर्स्ट काउंसलिंग में जो लोग फ्रीजिंग चूज़ किए हुए थे उसके बाद, तो कोई बात नहीं है, आपका पेमेंट हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, प्रयास करिए। लेकिन जो आपका काउंसलिंग समाप्त होगा उसके बाद जो है सर्वर जो है वो ठीक ठाक रहेगा। अभी थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर है आपका ये सब एक्टिविटी को लेकर के। किसी को सेकंड में भी फ्लोटिंग करना है, वो ज्ञान भवन नहीं पहुँचने थर्ड लिस्ट का वेट किया। अच्छा, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं राजा, वो बहुत बहुत धन्यवाद। थर्ड फ्लोटिंग वाले को थर्ड लिस्ट का जो वेट कर कीजिए, वेट ही करना है। आप यदि सेकंड एब्सेंट होते हैं तो क्लियरली फ्लोटिंग जो होता है वो कंटिन्यू रह जाता है। सर मेरा काउंसलिंग 10/5/19 को हुआ, बट 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, और 13 को मेरा एडमिशन लेटर इशू होगा क्या? देखिए, एडमिशन लेटर तो इशू होना ही है। बाय द वे आपके पास जो सर्टिफिकेट है तो आप इस तरह से कहीं पे दिखा सकते हैं, दिखा सके कि आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, या फिर किसी कारणवश कॉलेज नहीं दे पा रही है, वो 2-3-4 दिन बाद देगी, या यूनिवर्सिटी से आना है, या कोई भी कारण, तो उस पर आपको जो फाइनल एडमिशन कार्ड होगा वो आपको इशू हो जाएगा। तो एडमिशन लेटर जो होगा आपको इशू हो जाएगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। बाय द वे नेक्स्ट अभिषेक जी लिखते हैं, सर मेरा सेकंड काउंसलिंग लिस्ट में हुआ है बट 1000 पेड करना है, उसके साइट नहीं खुला। अच्छा, सीट एक्सेप्टेंस फी का जो 1000 का पेमेंट है वो नहीं खुल रहा है, सेकंड में पेड नहीं हो रहा है, प्लीज़ रिप्लाई सर, आई एम वेट फॉर यू। अच्छा अच्छा, तो 1000 रुपये जो पेड करना है वो साइट नहीं खुल रहा है, 13 को बुलाए। देखिए आप 12 को, जैसे 11 को आपका समाप्त हो रहा है तो 12 से आपका वेबसाइट जो है ठीक से काम होगा इसका सर्वर का, तो 13 को जो है आप 12 को आप पेड कर पाएंगे तो उस समय सर्वर का प्रॉब्लम थोड़ा कम होगा। मेरा सिलेक्शन जनरल कोटा में हुआ है, उसको OBC में कैसे प्लीज़ करें? इसके लिए हम कहेंगे आप ज्ञान भवन में, थोड़ा सा भी मुश्किल है, बाय द वे ज्ञान भवन में कॉन्टेक्ट करिए इसके लिए, या हमारे पास कुछ सोल्यूशन आता है तो हम उसको देखते हैं क्या किया जा सकता है। सर 8 को फ्रीजिंग कर दिया है सर, बट 1000 का फी जमा कैसे करना है? अच्छा अच्छा, 1000 जैसे ही आप फ्रीजिंग कर दिए हैं तो उसके लिए आपको जो समय मिलेगा उसमें 1000 का रिसिप्ट लेके आपको ज्ञान भवन में फिर से रिपोर्ट करना होगा। तो आपका जो एडमिशन सर्टिफिकेट होगा मिला होगा प्रोविजनल, उसमें देखिए डेट लिखा हुआ होगा, उस दिन जाके आपको पेमेंट करना है। उसमें आप 1000 रुपये का जो रिसिप्ट है पेमेंट का वो आपको भी वहाँ पे जमा करना होगा, और जो काउंसलिंग लेटर है जो मिला है अभी प्रोविजनल, वो दोनों जमा करने के बाद आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए करना है क्या है कि आपको आपका जब काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग जब समाप्त हो रहा है उस दिन से ही आपका ठीक ठाक हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पेमेंट कर पाएंगे। बाय द वे पिछले वाले में भी क्या हुआ था फर्स्ट काउंसलिंग के समय में, तो बाद में इतना प्रेशर था सर्वर पे कि ऑर्डर निकल गया था कि जिनका जिस दिन काउंसलिंग होना है या जिस दिन सबमिट करना है फ्रीजिंग वाले को 1000 रुपये का रिसिप्ट, उस दिन ही वो पे करें। तो ये सर्वर पे प्रॉब्लम कम करने के लिए प्रयास किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो लास्ट डे ऑफ द सेकेंड काउंसलिंग होगा उस दिन प्रयास करिएगा, आशा करते हैं पेमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, सर मेरा काउंसलिंग मिस हो गया है 9 को, सेकेंड चांस मिलेगा? देखिए यदि फ्रेश अलॉटमेंट है तो आपसे कहना है कि देखिए अब आज ही एक ऑर्डर निकला हुआ है, अब नोटिस है, अब 13 तारीख को आप जाके उसमें अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। और यदि फ्लोटिंग का केस है तो फ्लोटिंग वाले तो उनका फ्लोटिंग थर्ड काउंसलिंग में जाके वेट करिए, उसमें आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखते, सर मेरा ग्रेजुएशन मार्कशीट जमा किए हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आने में टाइम लगेगा? कोई बात नहीं, प्रोविजनल है तो वो आप दिखा सकते हैं 2 साल का। बाय द वे आप जो
इशू करवाना चाहते हैं जो अप्लाई करेंगे ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए, उसका कोई एक रिसिप्ट आप वहाँ पे दिखा सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और जितना हम देख पाए यहाँ पे कि 1000 रुपये का उस रिसिप्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो अब लास्ट डे जो होगा काउंसलिंग का 12 तारीख है शायद, हम यहाँ से देख लेते हैं, लास्ट डे ऑफ द काउंसलिंग आपकी 11 तारीख है। तो कुल मिला के जो है ये 12 तारीख के बाद से आपका पेमेंट जो है सर्वर से शुरुआत हो जाएगा। और बाकी देखिए सेकेंड लिस्ट में भी कुछ वैकेंसी होने की उम्मीद है, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में जितना ज़्यादा हुआ था तो फ्लोटिंग वाले को फ़ायदा, वो थर्ड लिस्ट में उतना ज़्यादा फ्लोटिंग वाले को फ़ायदा होगा नहीं। तो देखते हैं, बाय द वे जो आपका आपके चॉइस का कॉलेज है वो आपको मिल जाए, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।